दाल की चीजें एकदम मरीज खाते हैं, बड़ी सिंपल चीज है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक पीजी में रहने वाले एक स्टूडेंट की फरमाइश पे बताती हूँ। उनका कहना है, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं उस समय हमारे पास समय नहीं होता, तो हमें सिंपल सी खिचड़ी बनानी नहीं आती, तो हमें सिंपल सी खिचड़ी बनाना बता दीजिए, हम कुकर पे चढ़ाएंगे और फटाफट बना लेंगे। और ये सबसे आसान भी है, डाइजेस्ट करने में भी बड़ी सुविधा रहती है। तो बच्चों का कहना है हमें हैवी भी नहीं रहेगा और हमें चाहिए भी, तो मैं उसी के लिए बता रही हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून हरी मूंग की दाल ली है छिलके वाली, और 3 ही मैंने लिए हैं चावल। अब मैंने इनको प्री सोक करके रखा हुआ है, 2-3 घंटे इनको धो के सोक कर दिया। और इसके बाद अब मैंने कुकर में पानी लिया लगभग 1 लीटर से ज्यादा, 1 लीटर से ज्यादा पानी लिया, करीब करीब 1.25 लीटर। और इसमें मैंने खिचड़ी, जो मैंने खिचड़ी के लिए चावल भी और दाल पहले से भिगो रखे थे, इनको लगभग 2 घंटा भिगोने की जरूरत है, पर 2 घंटे में काफी भिग जाता है। इनको मैंने इसमें ले लिया। अच्छी तरह से पिघल जाना चाहिए, तब इसमें जीरा तड़काना है हमको। जब तक तड़के नहीं तब तक इस छौंक का स्वाद ही कुछ अच्छा नहीं लगता। इसको हम एक डाल के देख सकते हैं, तड़कना भी शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब इस घी को और गर्म होना चाहिए। गर्म हो गया है, इसमें जीरा तड़कने लगा, और जीरा जब तड़कने लगे तो हम इसको मिर्च हाथ के हाथ नहीं डालेंगे, मिर्च गैस के से फ्लेम से हटा के तब डालेंगे, नहीं तो मिर्च जलेगी। इसको हम इसमें डाल देते हैं, हम अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं कम या ज्यादा। अब मैं जरा पापड़ भी सेक देती हूँ, खिचड़ी के साथ पापड़ भी अच्छा लगता है। अब आप देखिए पापड़ सेकने की भी एक थोड़ी सी टेक्निक है, इसमें लाल या काले निशान नहीं बनने चाहिए, इसलिए इसको गैस पे हल्का हल्का सेकते जाते हैं और लाल ना हो बार बार इसकी सरफेस पलटते जाते हैं। राजस्थान में पापड़ सेकना एक कला मानी जाती है, यहाँ जब लड़कियों को देखने आते हैं तो पापड़ सिकवा के देखते हैं और वो कहते हैं, पहले जमाने की बात है आज की नहीं, तो देख लेते हैं कि ये कितनी सुगढ़ है और कितनी सुगढ़ नहीं है। पापड़ सिकना आता है मतलब और काम भी सुगढ़ता से कर लेगी। देखिए पापड़ में एक भी निशान ब्राउन या काला नहीं पड़ना चाहिए और क्रिस्प सिक भी जाना चाहिए। इसके लिए इसको बार बार ऐसे पलटते रहिए, कोई हिस्सा कच्चा भी नहीं रहे और जले भी नहीं। एक आधा वैसे पड़ जाए तो हर एक की बात है, लेकिन कायदे की बात यह है कि इसमें काला निशान या ब्राउन या पीला डार्क पीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए पापड़ बढ़िया सिक गया है, ऐसे सिक गया है और
नमकीन पापड़, खिचड़ी के साथ पापड़ खाना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो अचार भी ले सकते हैं। तो आप ये पापड़ सीख गया है, पापड़ के साथ भी खा सकते हैं। खिचड़ी के साथ लोग खट्टा या मीठा या तीखा कैसा भी अचार ले सकते हैं। मैंने आम का रखा है, ये नींबू का रखा है। आप नींबू का मीठा खट्टा कैसा भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसके साथ दही का भी चलन है, दही भी लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी पसंद है, कोशिश कीजिए। ये मैं उन बच्चों से कह रही हूँ जिनकी मेरे पास फरमाइश आई थी कि प्लीज हमको उनकी दाल की खिचड़ी बनाना बता दीजिए, उनको मैं बता रही हूँ। एक दो बार बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, दाल और चावल में जब आप रेशियो लेते हैं तो मैंने लगभग बराबर लिया है। आप चाहें तो दाल का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ये चावल पे डिपेंड करता है। इसलिए देसी चावल लेते हैं अक्सर, और या टूटे हुए चावल भी ले लेते हैं। आप ऐसे भी चावल ले सकते हैं और मूंगी दाल ले लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइए। आशा है आप सबको ये साधारण सी खिचड़ी पसंद आएगी।